अहमदपुर शर्किया से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद महमूद से अहमदपुर शर्किया के साबिक MNA उम्मीदवार पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली मखदूम सैयद अली हसन गिलानी उम्मीदवार सूबाई टिकट होल्डर सैयद आमिर अली शाह पीपल्स पार्टी रहनुमा आमना नजर मियाँ बलीगुर रहमान रहमानी मखदूम हसनात बुखारी की मुलाकात सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान साबिक वजीर आजम मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है, यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के दिलों में बसती है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है और 8 फरवरी 2024 का सूरज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा और पार्टी जनूबी पंजाब समेत चारों सूबों में कामयाबी हासिल करके अपनी हुकूमत बनाएगी। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और कारकुनान आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाने और पार्टी के पैगाम को घर घर पहुंचाने के लिए अपनी जद्दोजहद तेज कर दें और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और आमिर अली शाह की कामयाबी यकीनी है क्योंकि ताकत का सरचश्मा ही अवाम है और अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और सैयद आमिर अली शाह के साथ है।